वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे परप्यूरा के बारे में। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड सर्कुलेटिंग ब्लड एलिमेंट्स एंड आर इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स ऑफ हीमोस्टेसिस। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हीमोस्टेसिस को प्रोसेस करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स दोनों की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जिस कंडीशन में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए या प्लेटलेट्स नॉन फंक्शनल हो जाए, उस कंडीशन में हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और इस क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं परप्यूरा। यानी परप्यूरा जो है, इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच देयर इज़ डिक्रीज इन काउंट ऑफ प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स आर नॉन फंक्शनल और ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेंटेन द प्लेटलेट एडहेरेंस एंड एडहेशन। सो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं कि फॉर्म इन बोन मैरो कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती हैं। और जो मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, इनके छोटे छोटे पीसेस टुकड़े में टूट जाते हैं, उन्हीं को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो फैसिलिटेट करता है वो इम्पॉर्टेंट टाइप का हार्मोन होता है, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएटिन। अब इसका नाम परप्यूरा क्यों पड़ा? इस टर्म परप्यूरा इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें स्किन के ऊपर पैची हेमरेजेस ब्रूसेस पड़ जाते हैं, जो कि डार्क ब्लू ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं। और ये पैचेस जो होते हैं पर्पल कलर के प्रेजेंट होते हैं सबसे ज़्यादा, बाद में धीरे धीरे ये ब्लैकिश भी आ जाते हैं, और इसी वजह से इसका नाम परप्यूरा रहा। ब्लड लीक्स, अच्छा ये पैचेस क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो हेमरेज होता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ आके जम जाता है, इसकी वजह से ये डार्क ब्लू ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो ब्लड के बाहर लीक होने की वजह से ऐसा होता है, और स्पेशली कैपिलरीज की फ्रेजिलिटी में बढ़ जाती है जब, तो ये ब्लड बाहर लीक आउट हो जाता है और ये ब्लैक और पर्पल कलर का प्रेजेंट होता है। अब हम परप्यूरा के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर पढ़ें तो इसमें दो टाइप का होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक और थ्रोम्बोस्थेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब होता है, पैनिक मतलब कमी होना, जिसमें प्लेटलेट काउंट क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है। थ्रोम्बोस्थेनिक परप्यूरा, इसमें प्लेटलेट काउंट में कोई कमी नहीं आती, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है, लेकिन अदर फैक्टर्स जो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं परप्यूरा के लिए, वो हम आगे बताते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, इसमें प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है, तो क्लॉट रिट्रैक्शन इज डेफिशिएंट, क्योंकि क्लॉटिंग की मैकेनिज्म तो क्लॉटिंग फैक्टर्स स्टार्ट कर देते हैं, जो कि प्लेटलेट एडहेशन और एग्रीगेशन के साथ साथ आगे प्रोसेस होती है, लेकिन क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स जो कि प्लेटलेट्स में मिलते हैं, अब अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो ये मायोसिन और एक्टिन की भी कमी हो जाती है, और ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए। ये हमने आपको अपने पहले प्रीवियस प्लेटलेट के चैप्टर में बताया हुआ है। तो अगर किसी वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्लॉट रिट्रैक्शन जो है वो डेफिशिएंट यानी कम हो जाता है। इसके अलावा पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स हो जाता है, कैरेक्टराइज्ड बाई, और ये किस तरीके के कैरेक्टराइज फंक्शन शो करता है कि इसमें मल्टीपल सबकुटानियस हेमरेजेस होते हैं, और जो फ्रेजिलिटी है कैपिलरीज की वो बढ़ जाती है, और साथ में ही ये जो ब्लड है जो बाहर कैपिलरीज से निकल आता है ये लीक आउट हो जाता है, ये डार्क पर्पलिश और ब्लैकिश कलर का हो जाता है, पैचेस बना देता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को हमने दो में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ थ्रोम्बोस्थेनिक परप्यूरा, इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है, एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग प्लेटलेट समटाइम्स आर फाउंड इन सर्कुलेशन, कुछ कारण से एबनॉर्मल प्लेटलेट्स भी मिलती हैं, और मेनली दिस अकर्स ड्यू टू वेसल वॉल डिफेक्ट्स। ठीक है, जिसमें प्लेटलेट डेरिवेट ग्रोथ फैक्टर है, अदर फैक्टर्स हैं जो कि प्लेटलेट को अडेयर करते हैं, तो अगर वो फैक्टर्स जो है प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं ड्यू टू वेसल वॉल डिफेक्ट, तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन और एडिशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ऑल्सो नोन एज नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो इसके लिए अलग फैक्टर्स हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक और सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। प्राइमरी को हम इडियोपैथिक
इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा यानी इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इट इज़ अ प्राइमरी ऑटो इम्यून परप्यूरा जिसमें प्लेटलेट के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसका कारण माना गया है कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द प्लेटलेट्स। एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडीज अटैच टू द प्लेटलेट मेम्ब्रेन एंड ग्लाइको प्रोटीन्स। एंड फाइनली अब क्या होता है, जो ये एंटीबॉडीज प्लेटलेट के अगेंस्ट में बन जाती हैं, ये प्लेटलेट की मेम्ब्रेन से जुड़ जाती हैं। सपोज ये एंटीबॉडीज हैं, ये जुड़ गई हैं विद ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये फैगोसाइटोस्ड हो जाती हैं। इनको तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उनको उस डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन में, तो जिस वजह से प्लेटलेट का जो काउंट है वो कम हो जाता है और इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो है इसको दो में डिवाइड किया गया, एक तो चाइल्डहुड में, दूसरा एडल्ट। तो चाइल्डहुड इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कॉमन इन चाइल्डहुड, ये कभी लेस सीवियर होता है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व इन 6 मंथ और अक्सर ये 6 से 7 महीने में सॉल्व भी हो जाता है। जबकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो एडल्ट्स में होता है वो काफ़ी लेस कॉमन होता है, प्रीडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा फीमेल्स में मिलता है और ब्लीडिंग अकर्स स्पॉन्टेनियसली। इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसमें आता है कॉमन साइट है स्किन फॉर हैमरेज, जो कैपिलरीज हैमरेज हो जाती हैं उससे ब्लड लीक आउट हो जाता है, एग्जिबिट एक्कीमोसिस, तो स्किन के ऊपर ब्लीडिंग के लीक आउट होने की वजह से, ब्लड के लीक आउट होने की वजह से ब्लूइश और पर्पलिश कलर के पैचेस बन जाते हैं, काइमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसके कैरेक्टराइज है दैट इज़ एपिस्टेसिस, नोज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, और थर्ड इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टराइजेशन है दैट इज़ ब्लीडिंग गम्स। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं, काइमोसिस, एपिस्टेसिस एंड ब्लीडिंग गम्स। जब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज इन पेशेंट्स, यानी प्लेटलेट्स के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो पेशेंट्स के सर्कुलेशन में देखने को मिलती हैं, साथ में इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो स्मेयर। तो बोन मैरो में जो मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं जिससे कि फाइनली प्लेटलेट्स बनती हैं, वो उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑटो इम्यून टाइप का डिसऑर्डर है। यहाँ देखिए कि ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स में एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडीज जो हैं वो उसकी सरफेस ऑफ स्किन प्लेटलेट से अटैच हो जाती हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं उनसे अटैच हो जाती है। अब ऐसी जो प्लेटलेट्स जिनके ऊपर एंटीबॉडीज अटैच हैं स्प्लीन में, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है इम्यून सिस्टम के थ्रू और इनको फैगोसाइटोस कर दिया जाता है। ठीक है, फैगोसाइट्स के थ्रू इनको फैगोसाइटोस कर दिया जाता है और फाइनली डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है प्लेटलेट का काउंट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी टाइप ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इसमें देखिए सेकेंडरी जो होता है ये एग्जैक्टली प्लेटलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें वजह होती है इम्पॉर्टेंटली कि बोन मैरो में डिप्रेशन हो जाता है, बोन मैरो एग्जैक्टली प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता ड्यू टू एनी साइटोटैक्स टॉक्सिक ड्रग्स इफेक्ट, बॉडी रेडिएशंस, हाइपोप्लास्टिक और एप्लास्टिक मैरो हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन या दोनों ड्रग्स के इफेक्ट से या रेडिएशंस के इफेक्ट से या फिर किसी और वजह से बोन मैरो एप्लास्टिक हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो के एप्लास्टिक होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है एक्सरे रेडिएशंस। तो बोन मैरो में ही चूंकि स्टेम सेल मिलती है जिससे मेगा कैरियोसाइट्स फॉर्म होती हैं, अब ये स्टेम सेल जो है एक्सरेज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जिससे मेगा कैरियोसाइट्स का नंबर भी कम हो जाता है, जिससे प्लेटलेट्स का नंबर भी कम हो जाता है और इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कहते हैं। दूसरा इसमें है ल्यूकीमिया एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स ऑफ मैलिग्नेंसीज इन बोन मैरो। किसी भी कंडीशन में ल्यूकीमिया या दिस इज़ अ कैंसरस कंडीशन ऑफ WBCs और सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ मैलिग्नेंसीज कंटेंट, तो बोन मैरो में इस तरीके से इसको हाइपोप्लास्टिक बना देते हैं, तो बोन मैरो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाता, या कोई कंडीशन जिसमें एक्यूट सेप्टिसीमिया हो, टॉक्सिसिटी हो गई हो, यूरेमिया हो गया हो, या फिर स्प्लीन जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है प्लेटलेट्स का, वह अपना ओवर एक्टिविटी हो जाए उसकी, तो इस
किसी भी इस तरीके की कंडीशन में जो कि किसी के वर्कआउट करने की वजह से डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है उसे बोलते हैं सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के परप्यूरा के बारे में जो कि नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है, ठीक है, यानी थ्रोम्बेस्थेनिक परप्यूरा है। इसमें प्लेटलेट का काउंट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा या फिर कुछ एबनॉर्मल प्लेटलेट्स जो है वो सर्कुलेशन में मिलेंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट का इसमें कारण होता है कि ब्लड वेसल वॉल जो होती है उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो इस वजह से परप्यूरा डेवलप होता है। अगर ड्यू टू वेसल वॉल डिफेक्ट्स इसमें प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल है बट ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें कैपिलरीज की फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, यानी कैपिलरीज बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, फ्रेजिलिटी मतलब टूटना। अब इसके कारण क्या है, क्या क्या कॉजेज हैं इसके। पहला है ड्रग इंड्यूस्ड डैमेज टू कैपिलरी वॉल, किसी ड्रग के इफेक्ट की वजह से कैपिलरी वॉल का डैमेज होना। जैसे जो पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, पेंसिलिन का, सल्फा ड्रग्स का या एस्पिरिन का, उनकी जो कैपिलरीज होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो वो जल्दी डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं। दूसरा होता है वाइटामिन सी डेफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं स्कर्वी। तो वाइटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से फेलियर ऑफ कोलेजन फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल वॉल्स पे, ब्लीडिंग अकर फ्रॉम गम्स ड्यू टू लेस स्टेबल कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये दोनों ही जो कारण हैं वो वाइटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और अगर कोलेजन फॉर्मेशन फेल हो जाता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन और एडिशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोई भी एलर्जिक परप्यूरा की कंडीशन, यानी डैमेज टू कैपिलरी वॉल्स बाई एंटीबॉडीज़। कुछ इन टाइप के इन्फेक्शंस जैसे टाइफस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, तो इन इन्फेक्शंस की वजह से भी जो है वो थ्रोम्बोस्थेनिक परप्यूरा डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज सेनाइल परप्यूरा ड्यू टू प्रोलॉन्ग प्रेशर और माइल्ड ट्रॉमा। किसी भी माइल्ड ट्रॉमा या प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से परप्यूरिक हेमरेजिक स्पॉट सीन ऑन द बैक ऑफ द हैंड्स एंड फोरआर्म। फॉर एग्जांपल कोई आदमी लॉन्ग टाइम तक बैठे या लेटा रहता है तो वहाँ पे इस तरीके के सेनाइल परप्यूरा जो है वो प्रेजेंट हो जाता है, जिसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम प्रेशर से और ट्रॉमा की वजह से जो है हेमरेजिक स्पॉट्स दिख जाते हैं बिकॉज ऑफ कैपिलरी फ्रेजिलिटी। कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़, कोई भी एसोसिएटेड विद कैपिलरी वॉल डैमेज की कोई भी ऐसा डिसीज़ जिसकी वजह से वेसल वॉल कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो डैमेज कर देती है, तो इसकी वजह से एसोसिएटेड परप्यूरा इज़ नोन एज थ्रोम्बोस्थेनिक परप्यूरा। तो ये था पूरा परप्यूरा का क्लासिफिकेशन। अब हम एक बार देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट से ब्लीडिंग टेंडेंसी का क्या रिलेशन है। जब प्लेटलेट काउंट होता है 1 lakh per microliter ऑफ ब्लड तो नो क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप और ब्लीडिंग तो रेयर ही होती है। जब काउंट 50,000 से 1 lakh per microliter ऑफ ब्लड आता है तो ब्लीडिंग में अकर आफ्टर मेजर सर्जरी। जब काउंट 20,000 से 5,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पहुँचा है तो ब्लीडिंग अकर्स विद माइनर ट्रॉमा इन रूटीन लाइफ। तो और जब काउंट जो है 20,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से भी कम हो जाए तो स्पॉन्टेनियस हैमरेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट, GID ट्रैक्ट, नोज ब्लीड्स, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। और इससे भी कम काउंट पे, यानी लेस देन 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ये एक फैटल कंडीशन यानी डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है। फैटल हैमरेज में अकर इन द ब्रेन। तो इस तरीके से प्लेटलेट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आई होगी कि हीमोस्टेसिस को मेंटेन रखने में प्लेटलेट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, और इस क्लिनिकल कंडीशन को परप्यूरा कहते हैं। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।